subscribe to my channel and also press this bell icon. Hello friends, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में. देखिए आज मौसम काफ़ी साफ है, हल्का हल्का उस तरफ से कोहरा आ रहा है, बादल भी हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छी धूप खिली है. और देखिए आज मैंने यहाँ पे से खीरे का पूरा बेल निकाल दिया अभी, और इस खेत को यहाँ पे खाली कर दिया है. इसमें आलू लगाएंगे और देखिए पूरा उतार दिया यहाँ पे, कुछ भी नहीं है. तो अभी दिखाता हूँ आपको कितने इसमें खीरे हुए थे. देखिए इतने खीरे लगे हुए थे इसमें सारे, देखिए. और कुछ हमने अभी आधे गांव वालों को दे दिए, और अभी इधर भी बचे हुए कुछ बेल खीरे वगैरह के, तो हमने उसको खाली कर दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ और आलू वगैरह लगाएंगे अभी. और देखिए नज़ारा कितना अच्छा आ रहा है. और आज मुझे थोड़ा मार्केट जाना है सिमारखाल, गेहूँ लेके पिसवाने के लिए. चलिए अभी सिमारखाल जाएंगे, फिर मिलते हैं. ये चलते हैं अभी सिमारखाल. और काफ़ी लंबी चढ़ाई है, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर. और ताऊ जी भी हमारे साथ में आ रहे हैं. देखिए आज अच्छी खासी धूप हो रखी है अभी तो, लेकिन सामने देखिए बादल वापस आ रहे हैं, और शायद दिन तक बारिश हो जाए क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है. और आजकल रास्तों में देखिए पूरा घास ही घास हो गया है. अभी कुछ दिन बाद इस घास को पूरा काट देंगे, उसके बाद सुखा के उसको पेड़ों से चिपका देते हैं. वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे इस काम को किया जाता है. अरे देखिए आजकल घास ही घास है खेतों में, और मुझे वहाँ पहुँचना है ऊपर. तो अभी चलते हैं. और मौसम देखिए बादल वापस आ चुके हैं, और जैसे कि बताया दिन तक ज़रूर बारिश हो सकती है. चलिए देखते हैं. ये देखिए ताऊ जी, इनकी उम्र कम से कम 77 साल है. कहता तुम्हारी उम्र 77 ना? ये देखिए 77 ईयर्स ओल्ड. अभी भी डेली मतलब ये बाजार का चक्कर मार ही लेते हैं, इतनी उम्र है फिर भी 2 किलोमीटर की चढ़ाई आराम से ऊपर चढ़ लेते हैं. देखिए अभी भी आ रहे हैं मेरे साथ सिमारखाल, और इतनी उम्र के बावजूद भी ये 2-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ लेते हैं. मतलब यही पहाड़ी जीवन है, यहाँ के लोग कमज़ोर नहीं पड़ते. चलिए अभी सिमारखाल चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको. और देखिए वहाँ सड़क है ऊपर, और हमें वहीं पहुँचना है. देखिए उतना नीचे से यहाँ ऊपर, और हैं ना ना अभी बाद में दिखो तुम तो सांभगत वीडियो पर कमेंट करो जानू बताओ नहीं यानी मैं घूम के लिए जाना चाहूँ. मतलब दीदी के लिए ककड़ी लेके जा रहे हैं. ये देखिए फ्रेंड्स मशरूम, और ये उत्तराखंड में ऐसे ही मिल जाती है देखिए पहाड़ों में. ये देखिए एकदम साफ है देखिए, और ये ज़्यादातर जंगलों में मिलता है, कभी कभी यहाँ खेतों में मिल जाता है. लेकिन अभी ये एक ही है तो इसको खा तो नहीं सकते अकेला ही, क्योंकि अगर बहुत सारे होते तो जाके इनकी सब्ज़ी बन सकती थी. इनको ढूंढने के लिए वैसे जंगलों में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही मिल जाते हैं. देखिए उत्तराखंड में एक फ़ायदा ये है, किसी भी चीज़ का आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति आपको हर चीज़ अपने स्तर पर उपलब्ध करवा देती है. बस आपको उत्तराखंड आना होगा इन चीज़ों के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी. देखिए फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हलाई गांव में, और यहाँ से हलाई स्टार्ट हो चुका है. हमारा गांव है हलाई तल्ली, जो कि यहाँ से 0.5 किलोमीटर नीचे होगा. और इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से शुरू हो रहा है गाँव. और अब हम इसको पार करके ऊपर सिमारखाल जाना है. तो नमस्ते. हम हलाई में पहुंच चुके हैं, और ताऊ जी देखिए, और यहाँ भी ये पूरा नीचे हलाई गांव है इधर. और भाई सेठ जी है, अरे लाइव नहीं यार, लाइव कक बनाने एक बड़ा था दिखाना तो लाइव. बड़ा की स्पीड ना पड़ो समय. बाग है और नमस्कार.
ये मकान देखिए अभी इसी बारिश से गिरा हुआ है पूरा, आगे से पूरा टूट चुका है। इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, ये पूरा टूट चुका है। ऊपर से एकदम सही है लेकिन खाली आगे आगे से टूटा हुआ है। ये देखिए पूरा पोर्शन। और ये यहाँ पे हलाई गांव ख़त्म होता है लास्ट है, बाकी का गांव इस साइड है वहाँ आगे की तरफ, और ये लास्ट है बस यहाँ पे। और अभी यहाँ से हमें आधा 1 किलोमीटर के समथिंग में और जाना है ऊपर, और मेरे पूरे खेती खेत हैं, थोड़ा 2-4 घर इधर नीचे की तरफ है, बाकी यहाँ से गांव ख़त्म हो चुका है। और बहुत थकान लग चुकी है इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते। और ये फ्रेंड्स यहाँ से सिमारखाल से यहाँ पे तक रोड आई हुई है हलाई के ऊपर में, मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये हलाई गांव सामने, और ये रोड सिर्फ यहीं तक है, यहाँ से भी हमें पैदल जाना है ऊपर सिमारखाल। वो सड़क है मेन सड़क जो ऊपर है, और ये सामने सुन्ना गांव जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, और ये वही सड़क है, ये भी हमने आपको पहले दिखाई हुई है। बस ये सड़क यहीं तक है, और यहाँ से आगे हमारे गाँव तक जा नहीं पा रही है, समस्याएं हैं गांव वालों की, समस्याएं कुछ। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हम सिमारखाल, मतलब अभी सिमारखाल में नहीं पहुंचे, अभी मार्केट में नहीं पहुंचे। और देखिए मंदिर यहाँ पे, और ये घर है अभी नया बना हुआ है, चलते अभी। पावर हाउस है नीचे, ये जो गेट देख रहे हैं आप सामने उसी का है। तो देखिए सामने इतना प्यारा लग रहा है, जैसे बादल नीचे पूरे नीचे आ चुके हैं बादल। ये देखिए मेरे सामने गांव, ये जैतोली दिख रहा है, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ से सिमारखाल मार्केट स्टार्ट हो चुका है, सामने देखिए हिमालय का व्यू अच्छा है। मार्केट भी कुछ खास बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ही है जो भी है। तो देखिए सामने हिमालय है, ये हमारे गांव में जो मैंने आपको दिखाया था दूसरी तरफ घर है वही है, यहाँ पे रहती है दादी, उन्होंने यहाँ घर बना लिया था, अभी गांव में नहीं रहते। देखिए मैंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है, और दादी अभी मार्केट से उधर से आ रही है, ये देखिए ताऊ जी उधर से दादी आ रही है। नमस्ते। हाँ ओ सबों को, तो ये रही दादी, इन्होंने अभी यहाँ पे घर बना लिया सिमारखाल में, और अभी यहीं रहते हैं। अभी दादी मार्केट गई थी, और दादी सब ठीक ठाक। हाँ देखिए यूं का चौल दादा जी बोलेगा, देखिए घर के अंदर चल के देखते हैं। ये तो इसमें 3 कमरे हैं, किचन कर रहे हैं तुम। अच्छा एक किचन है यहाँ पे, ये वो एक बेडरूम था, और एक इधर ये देखिए। हाँ
तैयारी करी, हम स्कूल में जा रहे हैं और हम चलते हैं अभी घर। बहुत धूप हो चुकी है तो चलिए चलते हैं। आज धूप लगी हुई है बहुत अच्छी और बादल भी है, शायद दिन तक बारिश आ जाए। अच्छा दादी चलो ताऊ जी। और ये सामने यहाँ पे जलागम का ऑफिस है देखिए। अरे सामने देखिए ये गांव है छामा, ये रहा जैतोली, उधर ड्यूल सेकंड हो गया वहां से आगे, और उधर देखिए पूरे बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल पूरे नीचे आ गए हो। देखिए सामने नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सामने इधर एकेश्वर के लिए रोड चली गई सामने की तरफ, और ये मंदिर और आगे पावर हाउस है जो हमने आपको दिखाया था, और ये ऊपर हमारा स्कूल है ये वाला, ये 10वीं तक का स्कूल है। तो काफ़ी कम बच्चे रह गए, हमारे टाइम पे काफ़ी बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन 30 से 35 बच्चे मात्र रह गए क्योंकि गांव में लोग नहीं है इस वजह से। देखिए साहू जी अभी ऊपर तो नहीं पाते, अभी नीचे इतने तेजी से दौड़ रहे हैं। नमस्ते, थोड़ा कटन नाम तो बैर बड़े कटे अभी नाल थोड़ा कटन नाम है।